बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप खैरियत से होंगे। हमारे ना तीन एक न्यूमेरिकल्स जो हैं वो रह गए हैं चैप्टर 12 की एक्सरसाइज में से। आज हम वो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व कर देते हैं, फिर इंशाल्लाह हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर जो है प्रॉब्लम नंबर कितने हो गए थे जी, 9 तक हो गए थे। नंबर 10 इज कहता है जी, यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी, आपने इन्फिनिटी को लिया हुआ है जीरो रेफरेंस पॉइंट, डिटरमाइंस द अमाउंट बाय विच अमाउंट ऑफ चार्ज 4 एक्सपोनेंट माइनस 8 कूलम। अच्छा जी, कितना चार्ज आपको गिवन है? नंबर 10 इज आपको अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन है और वो कितनी है, 4 एक्सपोनेंट माइनस 8 कूलम। इतनी आपको चार्ज की वैल्यू गिवन है। Alter the electric potential at a point of 1.2 meter away. So distance बता दिया गया है 1.2 meter. इतने distance पर वो उसको alter करती है. When the charge is positive and the other one is charge negative. आपके पास potential आपने 1 find out करना है जब charge positive होगा. और secondly आपने potential find out करना है जब charge negative होगा. कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, हमने सिर्फ करना इसमें ये है कि वैल्यू पुट करनी है V इज इक्वल टू द के क्यू ओवर आर। अगर स्टूडेंट आपके पास Q पॉजिटिव है तो R होगा पॉजिटिव, V पॉजिटिव होगा, और अगर आपका V नेगेटिव है तो बेसिकली यहां पर Q भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक चीज तो मुझे यहां से क्लियर होगी कि मैंने एक ही वैल्यू मैयर करनी है, चाहे वो पॉजिटिव के लिए करूं या नेगेटिव के लिए करूं। मैंने जस्ट उसमें से क्या करना है, वो साइन का बता देना है कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल चले पॉजिटिव वाला देख लेते हैं, 9 एक्सपोनेंट 9 एंड क्यू 4 एक्सपोनेंट माइनस 8 एंड आर इज 1.2। इसको सॉल्व करते हैं, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई किया, 36 10 टू द पावर 1 आ गया, ये पावर भी सॉल्व होगी और 1.2 आ गया जी। यहाँ पर ये कटेगा तो ऊपर 10 आ गया, 3 बचेगा, 12 3 36 और 10 की पावर आ गया 2, तो 300 वोल्ट का पोटेंशियल आएगा। ये आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है। अगेन मैंने कह दिया है कि आपने एक ही वैल्यू सॉल्व करनी है, चाहे वो पॉजिटिव के लिए करें या नेगेटिव के लिए करें, ये आपकी चॉइस है कि आपने इसके लिए सॉल्व करनी है। उसके बाद बात करते हैं जी नंबर 12 एंड 13। दो प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं हम इसमें से। नंबर 12 एंड 13 बेसिकली कैपेसिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। नंबर 12 में क्या कहता है, कहता है इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा कंटेन द कैपेसिटर फॉर स्टोरिंग द एनर्जी यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। आप लोग जो मोबाइल फोन या कैमराज इस्तेमाल करते हैं, उसके कैमरे में जो फ्लैश होता है ना, वो बेसिकली उसमें कैपेसिटर यूज किया जाता है। तो वो कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज इकट्ठा कर लेता है और देन जब आपको जरूरत होती है तो आप उसको डिस्चार्ज करके एक सडन फ्लैश आपको मिलता है। इन सच यूनिट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द 750 माइक्रो फैरड कैपेसिटर। पहली बात जो आपको गिवन है वो 750 माइक्रो फैरड गिवन है, मींस 750 10 टू द पावर माइनस 6 फैरड। और कितना पोटेंशियल होता है जी, वो बता रहे हैं आपको पोटेंशियल 330 वोल्ट। अच्छा जी, फाइंड क्या करना है आपने, कहता है डिटरमाइन द एनर्जी दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। आपने एनर्जी फाइंड आउट करनी है, वेरी सिंपल। आपने करना ये है, एनर्जी इज इक्वल टू द 1/2 सी वी स्क्वायर। आप लोगों ने ये फार्मूला जब आपने एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर को स्टडी करना शुरू किया था, उसके बिल्कुल बेसिक एस्पेक्ट्स में आपने ये फार्मूला पढ़ा था। अब आपके पास क्या आ गया, 1/2 सी वी स्क्वायर। अच्छा जी, अब आपने इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, E इज 1/2 सी आपके पास आ गया 750 एक्सपोनेंट माइनस 6 एंड V इज 330 का
स्क्वायर, तो आपके पास क्या बचेगा जी, इनको सॉल्व कर लेते हैं, 330 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 750 और डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंट माइनस 6, आंसर आ रहा है आपके पास 40.8375। मैं सारे को कैलकुलेटर से डायरेक्ट लिख रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है जी, 40.8375। और बेसिकली अगर आप ऊपर लिख रहे हैं तो वो आपके पास ज्यादा बेहतर होगा, 81.675 जूल्स ऑफ एनर्जी। तो इनको सॉल्व करने में आपको ये मिलेगा और एंड पे ओवरऑल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर आपको ये रिजल्ट मिलेगा जी। उसके बाद कहता है जी, अ कैपेसिटर है द कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 8 फैरड। नंबर 13 आपको सी गिवन है 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 8 फैरड। अच्छा जी, इन द चार्जिंग प्रोसेस एन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेट एंड प्लेस्ड ऑन द अदर प्लेट। आपके पास क्या होता है, आपके पास कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस आपको गिवन है जो मैंने ऊपर लिख दी है। कैपेसिटर में प्रोसेस के दौरान एक प्लेट से चार्जेस जो है वो दूसरी प्लेट की तरफ ट्रांसफर होते हैं। तो ये कहता है व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 450 वोल्ट, जब आपके पास जो है वो 450 वोल्ट उनके दरमियान पोटेंशियल होगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हुए होंगे। तो आपको पोटेंशियल गिवन है 450 वोल्ट, इज इट यस, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपसे डिमांड की जा रही है। वेरी सिंपल इट इज, Q इज इक्वल टू सी वी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। Q जो होता है, दिस इज टोटल चार्ज, टोटल चार्ज आपका कितना ट्रांसफर हुआ होगा, तो वो बराबर आ जाता है E नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन पार्टिकल। तो वो आपके पास चार्ज ऑन वन पार्टिकल इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल इज N। अच्छा जी, अब आपके पास N आ जाता है सी वी डिवाइड बाय E, वैल्यूज पुट करते हैं 2.5 10 टू द पावर माइनस 8, V इज 450 एंड E इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, दैट इज N। अच्छा जी, अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, विदाउट पावर ऑफ 10 वाली टर्म्स इनको सॉल्व करते हैं। मैंने सर्कल भी कर दिए हैं, मेरे पास है जी 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 450 एंड डिवाइड बाय 1.6, द आंसर इज 703.125। 10 की पावर्स को सॉल्व किया माइनस 8 प्लस 19, ये जो पावर है इसमें ऊपर जाकर पॉजिटिव होना है, तो 7.03 10 टू द पावर 2 यहां से बचेगी और आपके पास 11 यहां से आ गई, तो 7.03 10 टू द पावर 13। ये 13 क्या है जी, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास ट्रांसफर हुए होंगे एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर। तो जी स्टूडेंट, ये हमारा इस चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर्स, हमारे तकरीबन 20 के राउंड अबाउट लेक्चर्स हुए हैं और 20 के अबाउट लेक्चर्स होना ये एक रीजनेबल टाइम होता है। हमने बहुत प्रॉपरली इस लेक्चर को कवर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस लेक्चर को बड़े अच्छे तरीके से सुना होगा और इसमें जो भी मैंने कैलकुलेशंस करवाई हैं, कुछ विदाउट कैलकुलेटर हैं, कुछ कैलकुलेटर के साथ हैं, तो वो आपने बड़े अच्छे तरीके से सीखी होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।